Good morning everyone. Now children, after your exam gets over, let's continue our syllabus. But before starting this lesson, I want to tell you something. As you know that COVID-19, you don't, you know that uh, about COVID-19, COVID-19 is the dangerous disease. So, how could you Uh, how could you save yourself tell me you will follow some rules okay which type of rules like first rule is whenever you go outside wearing always mask okay जब भी आप घर से बाहर निकलो हमेशा क्या पहन कर के निकलना है मास्क एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस क्या करना है बच्चों आपको मेंटेन करना है एंड डू योर हैंड वॉश व्हेन यू कम बैक एट योर होम ओके एंड व्हेन यू गो आउटसाइड देन यू विल कीप द सैनिटाइज विद यू ओके दीज आर सम रूल्स यू विल फॉलो व्हेन

एनिमल्स प्लांट ठीक है एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहां पर क्या है हम लोग क्या है रह सकते हैं ठीक है एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स रहते हैं ठीक है बिकॉज एवरी वन नोज दैट पीपल फॉर लिविंग वी वॉन्ट एयर वॉटर ओके एंड लैंड दीज आर द बेसिक थिंग ठीक है तो ये क्या चीजें हैं बच्चों बेसिक चीजें हैं एंड अर्थ इज द ओनली प्लेनेट हु प्रोवाइड दीज बेसिक नीड्स ओके अवर ब्यूटिफुल अर्थ इज अवर होम जो हमारा ब्यूटिफुल अर्थ है वो हमारा क्या है बच्चों घर है इट इज ऑल्सो अ होम टू ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स अब ये हमारा घर तो है ही लेकिन इसके साथ साथ ये किसका घर है बच्चों ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है ये सब क्या है एनिमल्स और प्लांट्स का भी घर है द शेप ऑफ द अर्थ इज द राउंड अब जो अर्थ की शेप है बच्चों वो कैसी है राउंड है बट बट बच्चों इसमें भी क्या था कुछ डाउट्स uh, थे कि uh, अर्थ की शेप राउंड है या फ्लैट है ठीक है तो uh, एक uh, फॉर्डिनेंट uh, मैगलन थे ठीक है तो उन्होंने क्या करा था इस पे रिसर्च किया था तो उन्होंने क्या करा था बच्चों उन्होंने अपनी एक यात्रा करी थी उन्होंने ठीक है अब उन्होंने क्या करा था जैसे यहां पॉइंट से स्टार्ट करी थी उन्होंने अपनी यात्रा और फिर वो पूरा घूमे 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 और फिर वापस क्या हो गया यही पर ही आ गए ठीक है जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी वहीं से वो क्या है वापस आए तो उन्होंने क्या करा इस पर रिसर्च करके उन्होंने क्या है इसको पृथ्वी को अर्थ को क्या बताया गोल बताया ठीक है तो उन्होंने क्या कहा पृथ्वी कैसी है बच्चों राउंड है इट्स सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड वॉटर इसका जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है बच्चों लैंड एंड वॉटर से और कितना कवर्ड है सेवेंटी वन परसेंट क्या है बच्चों इसमें वाटर, ठीक है सेवेंटी वन परसेंट क्या है बच्चों वाटर, और बाकी का ट्वेंटी नाइन परसेंट क्या है लैंड ठीक है सेवेंटी वन परसेंट क्या है बच्चों वाटर है और ट्वेंटी नाइन परसेंट क्या है लैंड है ठीक है we live on the land और हम लोग कहाँ पर रहते हैं बच्चों लैंड में we build our houses and grow crops on the land. ठीक है, बिल्ड आवर हाउसेस हम क्या करते हैं बच्चों अपना घर बनाते हैं और हम लैंड में और क्या करते हैं बच्चों क्रॉप्स भी उगाते हैं ठीक है है जो आप क्या है? आपके गेहूं होते हैं आपकी धान होती है ठीक है इनको कहते हैं हम क्रॉप्स तो हम क्या है लैंड में क्या है घर भी बनाते हैं और क्रॉप्स भी उगाते हैं थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर और जो पृथ्वी है पृथ्वी का कितना हस, हिस्सा तीन से चार ठीक है तीन बटे चार क्या है आपका कवर्ड है किससे कवर्ड है वाटर से बच्चों अर्थ को क्या है ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को क्या है ब्लू प्लैनेट कहते हैं और ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं क्योंकि जो इसका क्या है आप देखेंगे यहाँ पर आधे से ज्यादा हिस्सा आपको क्या लगेगा ब्लू लगेगा और आधा हिस्सा थोड़ा हिस्सा क्या है ग्रीन है ठीक है तो इसे क्या है ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं द अर्थ हैज एयर ऑल अराउंड इट अर्थ यहाँ पृथ्वी में क्या है हवा क्या है सारी जगह है ठीक है और कोई प्लेनेट ऐसे नहीं है जहां पर आपको हवा मिलेगी दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर अब जो ये लेयर है एयर की हवा की जो ये लेयर है इसको हम क्या कहते हैं एटमोसफियर कहते हैं वी ऑल नीड एयर टू ब्रिथ हम सभी को क्या होती है हवा की जरूरत होती है क्यों होती है बच्चों सांस लेने के लिए क्यों होती है सांस लेने के लैंड फॉर्म्स अब यहां पर क्या है लैंड फॉर्म्स वेन वी फ्लाई ओवर द अर्थ इज एन एरोप्लेन एंड वी लुक डाउन फ्रॉम द विंडो ठीक है अगर हम क्या है एरोप्लेन uh, में क्या है एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हम विंडो से क्या है नीचे देखते हैं ठीक है विंडो से क्या हम नीचे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं वी सी दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीयर ठीक है आप क्या है उसमें क्या देखोगे एरोप्लेन से अगर आप विंडो से नीचे देखते हो तो आप देखोगे जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है ठीक है वो उसका जो सरफेस है वो क्या है आ, कहीं पे क्या है प्लेन्स है कहीं पे हिल्स है कहीं पे वैली है ठीक है तो इस तरीके का क्या है उसका जो है सरफेस है सम प्लेसेस आर फ्लैट सच एज प्लेन्स ठीक है कुछ प्लेसेस कैसे हैं बच्चों प्लेन्स हैं, सॉरी फ्लैट हैं, ठीक है, sorry, है उनको हम क्या कहते हैं प्लेन्स द अदर आर हाई सच एज हिल्स और जो हाई होते हैं ऊंचे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं हिल्स कहते हैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज और क्या होते हैं माउंटेन्स भी होते हैं प्लेट्यूज भी होते हैं बाय द लैंड फॉर्म्स वी मीन डिफरेंट टाइप्स फीदर सॉरी फीचर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है वी मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स मतलब जो पृथ्वी के सरफेस के फीचर्स हैं वो क्या है डिफरेंट टाइप्स के हैं लैंडफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट टू द अर्थ बिकॉज दे गिव शेप टू द प्लैनेट अब लैंड फॉर्म्स क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के लिए क्यूं? क्यों क्योंकि वो क्या करते हैं प्लैनेट को शेप देते हैं फर्स्ट इज फर्स्ट लैंडफॉर्म्स कौन सा है बच्चों प्लेन्स लार्ज फ्लैट एंड मेनली ग्रासरी एरिया आर कॉल्ड प्लेन्स लार्ज फ्लैट जो बहुत बड़ा एरिया होता है और क्या होता है वो मेनली जो एरिया होता है वो कैसा होता है ग्रासरी ग्रासी इन इन द सेंस कि वहां पर क्या होती है घास घास उगती है ठीक है तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं प्लेन्स एरिया कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द प्लेन्स बहुत से लोग क्या हैं प्लेन्स में रहते हैं प्लेन्स आर ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स प्लेन्स कैसे है बच्चों सुटेबल है किस लिए सुटेबल है क्रॉप्स को उगाने के लिए रिवर्स मोस्टली फ्लो थ्रो द प्लेन्स और यहां से क्या होता है बच्चों रिवर्स भी बहती है ठीक है ना नेक्स्ट इज हिल्स अ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल्स ठीक है हाई पीस ऑफ लैंड मतलब जो पृथ्वी का सॉरी लैंड का लैंड का ऐसा हिस्सा भूमि का जगह का ऐसा हिस्सा जो कैसा होता है बच्चों उभरा हुआ होता है ऐसे होता है ठीक है उभरा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं हिल कहते हैं हिल्स आर जनरली कूलर प्लेसेस हिल्स बच्चों कैसा प्लेस होता है कूल कूलर कूलर इन द सेंस कि वहां पर कैसा होता है बहुत ही ठंडा होता है वहां पर प्लेन्स एरिया की तरह क्या होता है गर्म नहीं होता है वहां पर क्या होता है ठंडा होता है इन समर वेन द प्लेन्स बिकम हॉट पीपल गो टू हिल प्लेसेस ठीक है इन समर्स जब क्या होता है समर में प्लेन्स एरिया बहुत ही हॉट होता है तो लोग कहाँ जाते हैं हिली एरिया में जाते हैं जैसे क्या होता है बहुत से लोग आ, मसूरी घूमने जाते हैं ठीक है पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स माउंटेन्स कैसा हिल्स है बच्चों बहुत ही हाई हिल्स है द पॉइंटेड टॉप ऑफ द माउंटेन इज नोन एज पीक अब जो ये माउंटेन का टॉप का हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों पीक चोटी पीक को कहते हैं चोटी द पीक ऑफ द माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विथ स्नो अब जो ये चोटी है बच्चों ये ज्यादातर किससे कवर्ड होती है बर्फ से मैने रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन अब यहां से क्या होती है बहुत सी रिवर क्या करती है बच्चों फ्लो करती है ठीक है फ्लो इन सेंस कि यहाँ पर बहुत सी रिवर क्या है यहां से नीचे की तरफ आती है वैली अब यहाँ से रिवर्स कैसे आएगी रिवर्स कैसे आती है बच्चों जो ये स्नो है स्नो क्या होती है मेल्ट होती है मेल्ट इन द सेंस पिघलती है ठीक है जब ये बर्फ पिघलती है जब यहाँ पे सनी होता है जब धूप आती है तो ये बर्फ पिघलती है और ये बर्फ पिघल करके कहाँ आती है नीचे प्लेन्स की तरफ आती है तो वो किसका रूप ले लेती है या तो स्ट्रीम का और या तो फिर रिवर्स का नाउ नेक्स्ट इज वैली अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज नोन एज वैली ठीक है दो पहाड़ियों के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं बच्चों वैली कहते हैं सम टाइम देयर आर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द वैली कभी कभी क्या होता है इस वैली के बीच से क्या जाती है नदी जाती है जैसे आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या जा रही है नदी बह रही है ठीक है तो वैली बच्चों क्या होता है वी शेप का बना होता है ये भी पहाड़ी होती है और ये भी पहाड़ी होती है और यहाँ बीच से क्या होती है नदी निकलती है ठीक है ओके चिल्ड्रन नाउ लेट्स एक्सप्लेन द वर्कशीट लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर वन राइट ट्रू फॉल्स मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर ठीक है मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर मतलब पृथ्वी का जो क्या है आधा हिस्सा किससे कवर्ड है वॉटर से तो ये क्या है बच्चों ट्रू है क्या है ट्रू सेकेंड वन इज अ प्लेन एंड प्लेट्यू आर द सेम प्लेन और प्लेट्यू क्या होते हैं सेम होते हैं ये क्या है बच्चों रॉन्ग फॉल्स एफ ए एल एल सॉरी एफ ए एल एस ई फॉल्स थर्ड इज द अर्थ इज आवर होम अर्थ क्या है हमारा घर है ठीक है तो ये क्या है बच्चों ट्रू है ट्रू फोर्थ इज हाईलैंड्स आर कॉल्ड माउंटेन जो क्या होते हैं हाई लैंड्स होते हैं मतलब ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं पहाड़ियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं माउंटेन कहते हैं तो ये भी क्या है बच्चों ट्रू है रिवर्स फ्लो थ्रू वैलीस रिवर्स क्या होती है वैली के बीच से बहती है ठीक है थ्रू वैलीस तो इसको ये भी क्या है बच्चों ट्रू है द अर्थ हैज लेयर ऑफ एयर अराउंड इट अर्थ की क्या होती है किनारे चारों तरफ क्या होती है एक लेयर होती है किसकी लेयर होती है एयर की तो ये भी क्या है बच्चों ट्रू है सेकेंड क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द अर्थ इज सराउंडेड बाय अर्थ किसके किससे घिरा होता है आंसर इज एयर सेकेंड इज एनिमल कैन नॉट लीव विदाउट एनिमल किसके बिना नहीं रह सकते हैं वॉटर जूस या मिल्क तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर वॉटर क्या है बच्चों वॉटर वॉटर इज यूज टू मेक वाटर किसके काम आता है बोट्स बनाने के या इलेक्ट्रिसिटी या हिल्स तो बच्चों वॉटर किसके काम आता है वॉटर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है बच्चों इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी वॉटर इज होम टू वॉटर इज होम टू वॉटर किसका घर है फिश का किसका घर है बच्चों फिश का लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड लो लैंड बिटवीन टू हिल्स ठीक है दो पहाड़ियों के बीच के जो हिल दो पहाड़ियों के बीच को हम क्या कहते हैं ओशियन वैली या रिवर तो क्या है बच्चों इसका आंसर वैली क्या है वैली थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स ओशियंस लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ Mountains, a hill of great height and steep slopes. Valley, low areas between hills. Earth, the planet uh, that we live on. Okay, thank you, Bicho. Have a nice day.